चलिए इसके बाद उन्होंने क्या पढ़ा था? रासायनिक शास्त्र में उन्होंने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया और एवं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है ना। अब जो हमारा आज का जो पार्ट है केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है, कौन सा सेकंड पार्ट? इस पार्ट का नाम होगा अम्ल भस्म तथा लवण। क्या नाम होगा? अम्ल भस्म तथा लवण। इसमें हम पढ़ेंगे क्या समझे, नंबर एक में हम पढ़ेंगे अम्ल क्या है, अम्ल क्या है। इस अम्ल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अम्ल के भौतिक गुण, क्या पढ़ेंगे अम्ल के भौतिक गुण पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे अम्ल के रासायनिक गुण। इसके अलावा हम पढ़ेंगे अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार और पढ़ेंगे अम्ल का उपयोग, क्या पढ़ेंगे अम्ल का उपयोग। यानी एक अम्ल, अम्ल में हमें इतनी सारी टॉपिक पढ़ने का। फिर हम पढ़ेंगे भस्म, क्या पढ़ेंगे भस्म। अब भस्म में भी सेम क्या पढ़ेंगे, भस्म के भौतिक गुण, भस्म के रासायनिक गुण, भस्म के प्रकार और इनका उपयोग। दिक्कत नहीं। इनके पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे लवण, क्या पढ़ेंगे लवण। लवण क्या है, लवण कैसे बनता है, ठीक है। लवणों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे लवणों का वर्गीकरण पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कुछ उपयोगी लवण, कुछ उपयोगी लवण। यानी कि इतनी सारी टॉपिक जो है हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। दिक्कत तो रोज रोज जो वीडियो है अपलोड हो जाएगा, पहला जो वीडियो नहीं अपलोड हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो भी है टॉपिक वाइज सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे। पहला क्या रहेगा हम लोग का अम्ल। देखिए जो भी पदार्थ, जो भी पदार्थ आप खाते हैं अगर उसका स्वाद खट्टा है, कैसा है स्वाद खट्टा है तो अम्ल है, ठीक है। यानी कि हम बता सकते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, क्या होता है खट्टा होता है। इसके अलावा भस्म क्या है, भस्म वह पदार्थ है जो स्वाद में कैसा होता है कड़वा, कैसा होता है कड़वा। अब देखिए कुछ भस्म ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, जल में घुल जाते हैं। तो जो भस्म जल में घुल जाए हम उनको क्षार कहते हैं, क्या कहते हैं क्षार। यानी कि जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। दिक्कत अब देखिए अम्ल हो या भस्म हो ये जब जल में घुलते हैं तो आयनों का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं आयनों का निर्माण करते हैं। और जो पदार्थ जल में घुलने के बाद आयनों का निर्माण करता है हम उसे कहते हैं विद्युत अपघट्य, क्या कहते हैं विद्युत अपघट्य। और यह प्रक्रिया आयनन कहलाती है, क्या कहलाती है आयनन। यानी किसी पदार्थ का जल में घुलने के बाद आयनों में टूटना क्या कहता है आयनन, आयनन। और वो पदार्थ क्या कहता है विद्युत अपघट्य, क्या कहता है दिक्कत याद रहेगा। अब देखो तो भस्म में सवाल में कैसा होगा कड़वा होगा, कैसा होगा कड़वा। लवण अम्ल और भस्म के मिलने से लवण का निर्माण होता है, किसका अम्ल और भस्म के मिलने से लवण का निर्माण होता है। कुछ जो लवण होते हैं और एक वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे अम्लीय लवण, भास्मिक लवण, उदासीन लवण, ठीक है, सामान्य लवण, इस तरह का हम लवण पढ़ेंगे। यानी कुछ ऐसे भी लवण होते हैं जो लवण होने के बावजूद भी उसमें अम्ल का गुण होगा, कुछ ऐसे लवण होंगे जो लवण होने के बावजूद भी उनमें भस्म का गुण होगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे पूरे पाठ में पढ़ेंगे और साथ ही साथ अम्ल और भास और अम्ल और भस्म की जांच करने के लिए जो सूचक होते हैं क्या होते हैं सूचक, तो विभिन्न प्रकार के सूचकों को पढ़ेंगे। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे लिटमस पेपर, क्या पढ़ेंगे लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो है लिटमस पेपर यह एक पौधा है लाइकेन, क्या है लाइकेन। लाइकेन जो है
वो थैलोफाइटा ग्रुप, किस ग्रुप का? थैलोफाइटा ग्रुप। फाइटा वर्ग का एक पौधा है जिसका, जिससे क्या निकलता है? लिटमस पेपर निकलता है। लाइकेन थैलोफाइटा वर्ग का एक पौधा है, ठीक है, जिसमें क्या बनता है? लिटमस पेपर बनता है। क्या बनता है? लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर जो है वो अम्ल और भस्म की जांच करने में लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस से लाइकेन निकलता है, लाइकेन एक था, लाइकेन जो है थैलोफाइटा वर्ग का एक पौधा है, जिससे क्या निकलता है? लिटमस पेपर निकलता है। क्या निकलता है? लिटमस पेपर का अपना जो रंग होता है वो होता है गुलाबी। पूछा हुआ क्वेश्चन क्या होता है? गुलाबी, यानी कि यह एक पिंक आर्क है, ठीक है। क्या है? पिंक आर्क, सही बात है। तो ये सब चीज पढ़ेंगे। इसके बाद तुमने देखा होगा कि जो हम लोग खाना में खा के आते हैं शादी उदी में, है ना, और कपड़ा में हल्दी लग जाता है, तो उसको साबुन मार के देखना कैसा हो जाएगा? पिंक पिंक नहीं, पीला नहीं होगा वो, मतलब लाल हो जाएगा। कभी क्या करना है, जैसे कपड़ा की किसी कोड में, किसी कोड में लगा देना हल्दी और उसको साबुन मार देना, लाल हो जाता है, लाल हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो साबुन है उसमें क्या है, फस में खावा तो कड़वा लगेगा, कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा, ठीक। और तुमने उसमें क्या और हल्दी क्या है, तो हल्दी जो है वो भस्म के संपर्क में आने से लाल रंग का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? हाँ, भस्म लाल रंग हो जाएगा, पूरा फोड़ क्या दिक्कत सभी बात आ गई अस्थिर जाता है, बैठ जाना, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत है? तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? अम्ल। तो बने हेडिंग अम्ल की, ठीक है, अम्ल की हेडिंग बनाइए, ठीक है। देखिए बोले, देखिए, वह पदार्थ जो स्वाद में कैसा हो? मीठा, हाँ, खट्टा होगा। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल कहते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। कोई दिक्कत? देखिए, अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के भौतिक गुण देखिए, नंबर एक में देखिए, अम्ल तीव्र नाशक तथा सद्गुण होते हैं इसमें जोड़ना है, जगह संचारक भी जोड़ना है, संचारक तीव्रनाशक, संचारक तथा सदुम होते हैं, संचारक माने खट्टा, जंग लगा देगा ये, संचारक, ठीक है, तीव्रनाशक, संचारक तथा सदुम होते हैं, समझिए बोलना क्या है। देखिए यहाँ पे अम्ल जो होता है कि अगर हम इसे क्या कर दें, किसी कपड़े पर डाल दें तो कपड़ा तुरंत जल जाएगा, है ना, तेजाब समझते, तेजाब जो है एक्चुअली में, तेजाब जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है, झुलस जाएगा पूरा आदमी, आदमी पूरा गल जाता है, लेकिन समझो इसमें हम क्या करते हैं कि पानी की मात्रा अधिक कर देते हैं और अम्ल की मात्रा कम करते हैं, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा, इसको हम बोलते हैं तनु अम्ल, क्या बोलते हैं? तनु अम्ल,
तो तेजाब जो है जो बैटरी में लोग यूज करते हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल है लेकिन उसमें पानी की मात्रा क्या है ज्यादा है और तेजाब की मात्रा कम है, अम्ल की मात्रा कम है, इसलिए वो शरीर में गिरेगा तो खुजली बन जाएगा, जलेगा नहीं। लेकिन अगर जो तुम्हारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या सांद्र सब्जी मतलब जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा है उसको डाली है तो पूरा शरीर झुलस जाएगा, नहीं होता एसिड अटैक। एसिड जो है वो बैंड है जो क्या करता था सब ये लेता था सब मुंह फेंक देता था पूरा मुंह जल जाता था, ठीक है। इतना से मूवी बना हुआ था छपा मूवी, ठीक है। तो इसी सब को देखते हुए सरकार जो है एसिड को बैन कर दिया है, एसिड खरीदने के लाइसेंस चाहिए ऐसा नहीं मिलेगा, पहले नहीं था लोग खरीद के मतलब ये सब काम करते रहते, ठीक है, थोड़ा मुँह झुलस जाता है। इसलिए इसका मतलब अम्ल क्या है तीव्रनाशक है, संचार मतलब अगर लोहे पर डाले तो उसमें जंग लग जाएगी और सधूम होता है इससे धुआं भी निकलता है। तीव्रनाशक क्या है? तीव्रनाशक मतलब किसी चीज को तुरंत गला देगा, नष्ट कर देगा, किसी चीज को तुरंत नष्ट कर देगा। सधूम मतलब धुआं निकलता है, जब गलेगा तो धुआं निकलेगा, संचार मतलब जंग लग जाएगा। काला कलर चीटी उसको लोग बोलते चीटी है, हाँ तो चीटी है, ठीक है। पर दिक्कत तो फायदा क्या देखे कि आम जो होते हैं तीव्रनाशक संचारक और सधूम, नंबर एक हो गया। नंबर दो देखिए अम्ल, अम्ल नीला लिटमस पेपर को, नीला लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं, लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं। इसका वीडियो होगा यूट्यूब पर हम डाले होंगे, ठीक है ना, देख लीजिएगा, मैंने इसका प्रैक्टिकल डाला हुआ है। लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं, ठीक है, हम जो है इसका लिंक दे देंगे, है ना, प्रैक्टिकल में देख लेंगे। कोई दिक्कत आगे देखिए, देखिए ये जल में घुल, नंबर तीन, ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। दिक्कत है। चलिए ये रहा अम्ल के भौतिक गुण। अब लिखे नोट में अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है। लैटिन शब्द एसिडस से हुई है जिसका अर्थ होता है खट्टा, ठीक है। अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। तो दिक्कत नहीं है। लेकिन विभिन्न पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल हम पढ़ेंगे कि किन पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है।
खाते हो ना नींबू उम्बू, तो नींबू खाओ तो खूब मीठा लगेगा, खट्टा लगेगा। अच्छा खट्टा लगता है तब बढ़िया बता। इमली खाएंगे तो खट्टा लगेगा, खट्टा। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अम्ल किसे कहेंगे? खट्टा लगेगा जो खट्टा, इसका मतलब है कि इमली में अम्ल है। अगर हम नींबू खाएंगे तो खट्टा लगेगा, इसका मतलब नींबू में भी अम्ल है। इसके अलावा हम लोग खाएंगे अगर अंगूर, खट्टा लगेगा उसमें भी अम्ल है। अमरूद खाएंगे तो हल्का भी खट्टा लगेगा, उसमें भी अम्ल है। टमाटर खाएंगे वो भी हल्का खट्टा लगेगा, उसमें भी अम्ल है। आंवला खाएंगे उसमें भी अम्ल है। यानी कि जिस जिस पदार्थ को खाने से हमें खट्टापन का महसूस हो, अनुभव हो, इसका मतलब है कि उन सभी पदार्थों में अम्ल है और सभी पदार्थों में अलग अलग अम्ल हुआ करते हैं। कोई दिक्कत है तो तुम क्या करोगे, अपने कॉपी को दो भाग में बांटोगे, एक में लिखोगे पदार्थ और एक में लिखोगे अम्ल का नाम। ठीक है, एक में लिखो पदार्थ और एक में लिखोगे अम्ल का नाम। सही है। पहला लिखे सन, जल्दी थोड़ा रफ्तार बढ़ा सो, बच्चा गया लिखो, तो बच्चा हो गया। बोले लिखे, बोले नंबर एक संतरा व नींबू का रस, संतरा व नींबू का रस। संतरा व मतलब और नींबू का रस। ठीक है, अंगूर, 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 कच्चा आम, कच्चा आम, इन सब में होगा तुम्हारा साइट्रिक अम्ल। क्या होगा? साइट्रिक या सिट्रिक, हिंदी में लोग इसको सिट्रिक बोलते हैं, इंग्लिश में लोग इसको साइट्रिक बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, सिट्रिक अम्ल कहो तो या साइट्रिक अम्ल कहो तो बात एक है, एक ही, ठीक है ना? अंग्रेजी में नाम इसके लोग बदल देते हैं कुल बनने के लिए, साइट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। आगे देखें नंबर दो, बोले सेब, 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 फटाफट से लिखो सब तुम। हो गया, मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, अम्ल, सेब, मैलिक अम्ल लिखना भाई, मैलिक अम्ल पहुंच रहा है। इमली, इमली, हाँ इमली, इमली, हो गया। टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, टार्टरिक, टार, टार्टरिक, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, हो गया। चलो अगला, सिरका, सिरका समझते हो ना, वो विनेगर जो चौमिन में डालता था, पनीर पूजा कर देते हैं, उसको बोलते हैं सिरका, विनेगर। लिखे सिरका, सिरका, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। आगे लिखो दही, दही, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, हो गया। ठीक है, टमाटर और अमरूद, उधर दिख रहा है, टमाटर और अमरूद, टमाटर और अमरूद, बोले ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, हो गया। देखिए अमाशय, अमाशय, हाँ अमाशय, यही है। अगला हेडिंग, नहीं अमाशय, हो गया। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाय, चाय चाय पीते हो सब? चाय टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल। हो गया। आगे देखें विटामिन सी, विटामिन सी एस कॉर्बिक अम्ल, एस कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी, विटामिन सी किस चीज में मिलता है? अम्ला में, आंवला में। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक। ठीक है, दिक्कत। लाल चिट्ठी कभी खाया था तुमने? चिट्ठी उठी सलाद डलते हैं हैं, लाल चिट्ठी, 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 चूटी, 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 हाँ, अब लाल का, हाँ हाँ, खा के देखना कभी कभी, चूटी खाए, अरे यानी खट्टा लगेगा, कभी तो सही ना, देखिए देखिए वो चौथा, अरे नहीं हम खाए हैं जानते हो, वो तो क्या क्या हुआ था देखो, हम मतलब छोटे थे ना, हम चीनी बहुत ज्यादा खाते थे, ये तो जो मेरा घर है मतलब जिसमें खाना बनता है तो उसमें चीनी रखा हुआ था, तो शाम को मतलब प्लान था सब लोग का दही दही और रोटी रोटी खाने का। ठीक है, तो हमको भैया सभी जाकर मतलब लेके आना है, ठीक है, चीनी है तो हम सभी लेके जाना ही है, एक फाँका मार लेते। ठीक है, और हमको नहीं पता, ठीक है, तो हम गए, ठीक है, उतारे हमने पूरा, उसमें लाइट थोड़ी था, अंधेरे था, लाइटें का जमाना था, हम उठाए हम मार ली मम्मी, तो कुछ देर कुछ नहीं मुँह लगाया, कुछ मतलब कुछ सुरसुरा रहा है। ठीक है, जैसे मतलब अपने आंगन जैसे हैं द्वार पर सब मुँह में पकड़ ली, सब मुँह पकड़ लिया, उसके बाद लगे चिल्लाने, सब छड़ा रह गया, उसमें हम खाए थे, खट्टा लगती है चीनी में खाते है ना। तो कौन सा हम लोग है? फॉर्मिक अम्ल। एक लाल चिट्ठी में नहीं, देखो आप समझ लो, लाल चिट्ठी से दियो, लाल चिट्ठी साथ साथ जितना भी डंक मारती है सब, जितना भी जैसे कि डंक का क्या ये बीज हो गया, मतलब मधुमक्खी हो गया, उसके अलावा ये हाइड्रा हो गया, बिरनी हो गया, ये सब जितना पूंछ से काटे जाते बिछी हो गया, इन सब में फॉर्मिक अम्ल होगा, मात्राएं अलग अलग हो जाती है। सांप में भी तो अम्ल होता है, ठीक है, सब अम्ल होता है, जहरीला भी होता है, ठीक है ना। तो देखो लाल चिट्ठी, मधुमक्खी, हाडा, बिरनी, सब सब में कौन सा अम्ल? कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो अम्ल के गुण को उदासीन करता है पता है कौन? क्षार। इसे देखिए लोग उसमें रगड़ देते हैं, क्या चीज? प्याज, लोहा, लाल चिट्ठी, मधुमक्खी। हाँ, कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। तो दिक्कत यानी कि इतना चीजों में अलग अलग तरह के अम्ल पाए जाते हैं जो आपको याद रहे। अमरूद में कौन सा अम्ल? अमरूद में नहीं लिखवाएंगे तो टमाटर के बगल में लिख दो, टमाटर के बगल में अमरूद नहीं लिखवाएं क्या? इमली में बताओ, कैसे पढ़ गए? इमली में टार्टरिक, इमली में टार्टरिक, चाय में और ये नींबू में, और अंगूर में, कच्चा अंगूर में, और नींबू का रस। बताओ टार्ट्रिक अम्ल किस पदार्थ में पाया जाएगा? इमली में। लैक्टिक अम्ल किस पदार्थ में पाया जाएगा? दही में। मैजिक अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर अम्ल, टमाटर अम्ल। कोई दिक्कत यहाँ तक? याद रखोगे? याद कर ना, लिखिए विभिन्न प्रकार के अम्लों के रासायनिक नाम, विभिन्न प्रकार के अम्लों के रासायनिक नाम।
है, टॉपिक है ना, हम लोग यहीं से पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम लोग रासायनिक नाम। रासायनिक नाम पहला देखिए, पहला जो सबसे फेमस अम्ल है वो है अब हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको हम बोलते हैं H2SO4। ठीक है, याद रखिएगा H2SO4 यानी कि ये एक्यू यहाँ रहना चाहिए, मतलब कि पानी की मात्रा रहती है। अम्ल अपने गुणों को तब तक प्रदर्शित नहीं करेंगे जब तक कि उसमें जल की मात्रा न हो। जल की मात्रा के बिना अम्ल जो है वो अपने अम्लीय गुणों को प्रदर्शित नहीं करेंगे। इसलिए जहाँ भी लिखेगा अम्ल की अम्ल का फॉर्मूला, ठीक है, या किसी रिएक्शन में लिखेगा एक्वी, मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जलीय विलयन, जलीय विलयन, तो वहाँ पे एक्यू जरूर लिखिएगा। ठीक है ना, गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है हाइड्रोक्लोरिक? ये भी फेमस है, काम आएगा, पढ़ना है हम लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें इसको हम बोलते हैं HCl, एक्यू यहाँ भी रहेगा। ठीक है ना। नंबर तीन नाइट्रिक अम्ल, पारदर्शी माने बिना पानी के अपना काम नहीं करेगा ना। नाइट्रिक अम्ल HNO3। अब कौन है किसको पढ़ा बेचा गिर गए कारा की और कारा की अरबी को कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक H2CO3। फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक फास्फोरिक अम्ल H3PO4। H3PO4 सब में क्यू एक ही होगा, सब में एच कॉमन रहेगा। सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल CH3COH। ठीक है, कौन सा बच गया? बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल H3BO4। ठीक है, बताइए ये सभी अम्लों के नाम। सब क्यों है? क्यों जरूरी है? यहाँ कहाँ क्यों है? यहाँ कहाँ क्यों? कौन में ये क्यों है? ये सब क्या है? सब में एक क्यों रही? बैटरी अम्ल भी कहते हैं, बैटरी अम्ल भी कहते हैं, बैटरी अम्ल भी कहते हैं। और इसी को हम लोग गंधक का अम्ल, गंधक का अम्ल भी कहते हैं, गंधक का अम्ल कहते हैं। और इसको हम लोग अमाशय का अम्ल कहते हैं, अमाशय का कार्बोनिक अम्ल। और इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक विकल्प, कार्बोनिक विकल्प। दिक्कत बता दीजिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बैटरी अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, तो आज क्लास यही तक समाप्त हो। हम कभी आगे और पढ़ेंगे तो बंद कर देते हैं। हाँ पारे जी रोगे तेरे मानी ए मनु कहाँ चला वो जी।